Good morning, student. So today we are going to study about consumer surplus. So today we are going to study chapter number 3, that is consumer surplus. So before learning consumer surplus, what we need to consider is अब तक हमने जितने सीखे हैं थ्योरीज, राइट, दिस इज वन ऑफ द लॉज, हमने अब तक जितने लॉज सीखे हैं उन लॉ को कंसिडर करके उस लॉ को बेस्ड हम कंज्यूमर सरप्लस का थ्योरी सीखेंगे. दिस कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, राइट. अभी अल्फ्रेड मार्शल ने देखिए उन्होंने पहले कहा था, वी ऑल नो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, राइट, जो हमने वी स्टडीड इन इलास्टिसिटी एज वेल. सो लॉ ऑफ डिमांड सेज व्हेनेवर प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, मीनिंग अगर कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है तो पीपल विल डिमांड लेस ऑफ दैट सेम कमोडिटी, और अगर कमोडिटी का प्राइस कम है देन पीपल विल डिमांड मोर ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, राइट. नाउ दिस लॉ ऑफ डिमांड विच शोज अस नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड गिव्स अस डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिव डिमांड कर्व, राइट. ये थियोरी को बेस रख के अगर हमको डिमांड कर्व ड्रॉ करना है, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज वन पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड थियोरी, दैट इज थियोरी ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट. वी ऑल नो व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सिंपल चीज है, व्हाट डज इट मीन कि इफ यू गो ऑन कंज्यूम यूनिट एंड यूनिट back to back of same commodity, then you will want to have less of that particular commodity. See, this law of diminishing marginal utility is very important law. Why? Because for so long we kept saying ki human wants cannot be satisfied. Yes, why do we study economics? Economics padhne ka basic point kya hai ki human wants cannot be satisfied. Agar human wants सेटिस्फाइड हो सकती तो हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, राइट. बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन वॉन्ट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हेंस वी हैव टू फाइंड सल्यूशन कि हमको ढूंढना है कि हम किस तरह से अपनी वॉन्ट्स को कुछ हद तक सेटिस्फाई कर सकें. इसलिए हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस देखिए, जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इनिशिएट हुआ पहली बार, तब उसमें लिखा गया ह्यूमन वॉन्ट कैन बी सेटिस्फाइड. यू विल से आई डोंट वॉन्ट मोर ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी. दैट्स अ वेरी न्यू सिनारियो. हम तो इतनी ग्रीडी है, हमको कंटिन्यूसली हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स वी कीप ऑन वॉन्टिंग. ये चाहिए, वो चाहिए, हमको कंटिन्यूसली हमारी वॉन्ट्स बढ़ती रहती है, हमारी ग्रीड बढ़ती रहती है. बट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? नो, ह्यूमन वॉन्ट कैन बी सेटिस्फाइड, राइट. किस तरह उन्होंने कहा? ऑफ कोर्स देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अजम्पशंस अराउंड इट, पर इफ यू गो ऑन कंज्यूमिंग वन कमोडिटी बैक टू बैक यू विल नॉट वांट दिस कमोडिटी एनी मोर, राइट. सो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों को कंसिडर करके वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंज्यूमर सरप्लस. नाउ बेसिक थिंग, कंज्यूमर, व्हाट डू वी मीन बाय कंज्यूमर? एनी पर्सन हु इज पेइंग एंड बाइंग कमोडिटी, राइट. वाई इज ही बाइंग कमोडिटी? बिकॉज उस कमोडिटी से उसको कुछ ना कुछ यूटिलिटी, यस, उपयोगिता, जिसको हिंदी में कहा जाता है, मिलता है. वॉट इज सरप्लस? सरप्लस इन अकाउंटिंग टर्म्स अगर आप कहें, सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट, राइट. सरप्लस प्रॉफिट्स को इकोनॉमिक टर्म्स में हम कहते हैं सरप्लस. जैसे किसी भी फर्म अगर वो ज़्यादा पैसे कमा लेती है, मोर देन द कॉस्ट दे हैव स्पेंट, वी से प्रॉफिट किया फर्म ने. सेम वे गवर्नमेंट बजट की जब हम बात करते हैं, वी यूज वर्ड कॉल्ड सरप्लस. देखिए, गवर्नमेंट प्रॉफिट्स नहीं कहते हम उसको, हम कहते हैं गवर्नमेंट ने सरप्लस अर्न किया है. और उसका अपोजिट क्या होगा? अगर गवर्नमेंट ने लॉस किया है, वी विल कॉल दैट एज गवर्नमेंट डेफिसिट और बजट डेफिसिट. सो सरप्लस मीन्स प्रॉफिट, डेफिसिट मीन्स लॉस, राइट. सेम है अकाउंटिंग टर्म्स में, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स में हम उसको सरप्लस एंड डेफिसिट कहेंगे, राइट. सो बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट, आई विल टेल यू वन स्मॉल स्टोरी. लेट्स इमेजिन दैट आप अपनी मॉम डैड के साथ एक शादी में गए. एक तो हमको शादी में जाने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता किसी और की, राइट.
फिर भी मॉम डैड ज़बरदस्ती करके आपको शादी में लेके गए। अभी इस शादी में जाने के बाद आप अकेले बैठे हैं, कुछ आपके पास करने के लिए है नहीं, कुछ फ्रेंड्स भी नहीं है आपके पास, कुछ कजिन्स वजन कोई नहीं है, आपके पहचान का कोई नहीं है। सो अब यहाँ पर बैठा हो, बोर हो रहा है राइट, और आपने देखा कि अरे उधर आइसक्रीम का कॉर्नर है, वहाँ पे शादी में आइसक्रीम सर्व हो रही, तो आपको लगा अरे वाह चलो आइसक्रीम खाते, एंड आपने देखा दे आर सर्विंग चॉकलेट फ्लेवर वाला आइसक्रीम विच इज़ योर फेवरेट पर्सनल फेवरेट, और आपने बहुत दिनों से चॉकलेट आइसक्रीम खाया नहीं, तो आपने क्या सोचा चलो जाके चॉकलेट आइसक्रीम खाते। सो आप जाए गए, आप एक स्कूप वन स्कूप ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम लिया, आपने उसको फटाफट कंज्यूम किया, फटाफट खाया, बिकॉज बहुत सालों से टाइम से खाया नहीं था, तो आपको उससे अभी जो यूटिलिटी अभी जो खुशी मिली है इट इज़ वेरी हाई। फिर आपको लगा कि चलो और एक चॉकलेट आइसक्रीम खाते। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग चॉकलेट आइसक्रीम हियर योर सराउंडिंग्स आर नॉट चेंजिंग, फ्लेवर इज सेम, चॉकलेट फ्लेवर ही आप खा रहे हैं, यू डोंट हैव टू पे फॉर दिस चॉकलेट आइसक्रीम, मीनिंग प्राइस इज कॉन्स्टेंट, प्राइस इज नॉट चेंजिंग, प्राइस भले ही जीरो है बट जीरो हैज सम वैल्यू राइट, सो प्राइस इज कॉन्स्टेंट, प्राइस इज नॉट चेंजिंग। यू वेंट एंड गॉट वन मोर चॉकलेट आइसक्रीम, अपनी दूसरा चॉकलेट आइसक्रीम भी उतने ही जल्दी ख़त्म किया राइट, आपको उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, बट ऑब्वियसली खुशी थोड़ी सी कम हो गई होगी बिकॉज बैक टू बैक दो तीन चीज़ें खाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी स्लोली स्लोली योर यूटिलिटी विल रिड्यूस। पर आपको लगा नहीं चलो मॉम तो देख नहीं रही है, और एक आइसक्रीम खाते, अगर मॉम देखेगी तो डांटेगी कितना आइसक्रीम खा रहे हो, सर्दी लग जाएगी, तो आपने सोचा कि नहीं और एक खा लेते। यू वेंट एंड वॉट वन मोर स्कूप ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम, अपनी चॉकलेट आइसक्रीम खत्म कर लिया, भाई ना हुआ ले कि अरे तीन खा लिया, अभी बहुत पेट तो भर गया है, प्लस सेटिस्फैक्शन भी बहुत मिला है, अभी और चॉकलेट आइसक्रीम नहीं चाहिए। उतने में ही क्या हो गया, आपकी माँ कहीं से आ गई और अपने हाथ में चॉकलेट आइसक्रीम है उनके हाथ में, और आपको दिया, बोला तुम हमारे साथ इतना आए ज़बरदस्ती हमने लाया, लो तुम चॉकलेट ये आइसक्रीम खाओ। अभी उसको बोलोगे क्या, बोलोगे कि मैंने ऑलरेडी तीन खाया, ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको खाना ही पड़ेगा। ये आपने ये फोर्थ स्कूप ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम जैसे ही खाया, अभी आपको लग रहा है आफ्टर ईटिंग फोर प्लेट्स ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम, सेम आइसक्रीम इन सेम सराउंडिंग इन सेम प्राइस, आपको लग रहा है कि बस अभी तो मुझे बिल्कुल कुछ दिनों तक चॉकलेट आइसक्रीम खाना ही नहीं है। सी व्हेन यू से आई डोंट वांट इट एनी मोर, योर वांट इज सेटिस्फाइड हियर करेक्ट, सो आपकी वांट इंसान ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, ये पहली बार हमको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने बताया राइट। सो सिंपल चीज है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, एज यू गो ऑन कंज्यूमिंग मोर कमोडिटीज, सी नंबर ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजिंग एंड योर मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, वन इज इंक्रीजिंग द अदर वन इज डिक्रीजिंग, मीनिंग देर इज निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कमोडिटीज यू कंज्यूम एंड मार्जिनल यूटिलिटी, दिस अगेन गिव्स अस अ निगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व राइट, वी कॉल दैट एज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। सो इकोनॉमिस्ट ने कहा, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड कर्व, वाई बिकॉज इट इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग, येस बेसिकली दिस कर्व इज ऑल्सो टेलिंग यू हाउ मच विल यू डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। वॉट डू वी मीन बाई डिमांड कर्व बेसिकली, ठीक ये प्राइज और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप वगैरह बताता है, बट वॉट इज डिमांड कर्व इन नॉर्मल लैंग्वेज, आप कितना डिमांड कर रहे हो ये बताना करेक्ट। सो आपको एक चॉकलेट आइसक्रीम का कितना यूनिट्स चाहिए, आपको चार चाहिए, तीन चाहिए, दो चाहिए, ये बता रहा है। सेम वे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी वही बता रहा है कि हाउ मच यू वांट ऑफ वन पर्टिकुलर कमोडिटी। सो बोथ कर्व और बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिमांड कर्व, बेसिकली इट कैन ऑल्सो शो यू योर पर्सनल योर इंडिविजुअल डिमांड। So we know demand, we know marginal utility, and we know what is law of diminishing marginal utility. On the basis of this, we'll be studying consumer's surplus. Okay? Can everyone hear my voice properly? Kisi ko koi problem hai? Yes? Let's study. Let's study. What do we mean by consumer surplus? देखिए क्या कह रहे हैं।
The negative slope of the demand curve gives rise to the concept of consumer surplus. हमने अभी अभी कहा कि demand curve is negatively sloping, downward sloping, correct? We also know that marginal utility is also downward sloping. ये जो downward sloping, ये जो feature है demand curve का, this gives rise to the consumer surplus. मतलब यहाँ पे, because it is downward sloping, कंज्यूमर को प्रॉफिट हो सकता है, कंज्यूमर को सरप्लस मिल सकता है. बेसिकली व्हाई डू वी नीड टू स्टडी कंज्यूमर सरप्लस? बेसिकली इन जनरल लाइफ अगर आप देखेंगे, व्हाई डू यू थिंक द सेल जो होता है किसी भी सुपरमार्केट में, किसी भी कमोडिटी, किसी भी शॉप में, सीजनल सेल होता है, मॉनसून सेल होता है उनका, एंड ऑफ द सीजन सेल होता है उनका, विंटर सेल होता है, ये सेल क्यों चलता है? यस, व्हाई डज दिस सेल वर्क? The basic reason for this sale to be successful is consumer surplus. Because कोई भी commodity जब आपको sale में मिलती है, that is कम price में मिलती है, आपको लगता है कि आपको as a consumer profit हुआ है. This profit is known as consumer surplus. Right? अगर consumer surplus ये concept नहीं होता तो sales भी नहीं चलते. Because consumer as an individual is enjoying some kind of incentive, some kind of profit. इसकी वजह से sales जो market में, आप shops में, supermarket में, malls में होते हैं, वो चलते हैं, right? So basically, simple, in normal terms अगर हम कहना चाहे consumer surplus क्या है? अब market में गए, हमने देखा कि आपको वैसे तो कुछ खरीदना नहीं है, decided कुछ नहीं है, but कुछ खरीदना ऐसे ही देखने गए आप. आपको दिखा है बहुत अच्छे earring है, right? Okay. Boys can imagine एक बहुत अच्छा क्या जीन्स है या पैंट है, right? ये आपने देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, ऐसे टाइप का आपके पास कुछ है नहीं, तो देख के बहुत अच्छा लगा, आपने मन में सोचा कि ये दिख तो अच्छा रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है, इसके लिए आई कैन 300-400 रुपए का तो होगा ये, ऐसे आपने मन में सोचा, right? तो आपने बोला कि चलिए जाके पूछते हैं शॉपकीपर से कितने का है. तो आपने पूछा उनसे, उन्होंने कहा दिस इज फॉर 200 रुपीज. आपने सोचा क्या था? ये 400 रुपए का होगा. आपने सोचा था कि 400 का होगा, मीनिंग अगर ये आपको खरीदना है, यू आर विलिंग टू स्पेंड 400 रुपीज फॉर दिस पर्टिकुलर कमोडिटी, करेक्ट? तो मुझे अगर एक पेन दिखा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा पेन, मैंने बोला कि कितना अच्छा है इसका राइटिंग, बहुत डिजाइन बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, आई एम विलिंग टू स्पेंड 100 रुपीज फॉर दिस पेन. For that commodity which you saw, you are willing to spend 400 rupees. क्योंकि आपको लगा कि हाँ ये 400 का तो होगा ही होगा. पर shopkeeper ने आपको बोला कि this is only for 200 rupees. Right? Meaning what? आप उसको immediately खरीदोगे. क्यों? आपको लगा था 400 का है. Meaning you are willing to spend 400 rupees. पर आपको वो 200 rupees में मिल रहा है. Can you see? यहाँ पे आपको 200 rupees का आपको mentally सेटिस्फैक्शन मिला है, एक प्रॉफिट मिला है. ये पैसा एक्चुअली आपके जेब में नहीं आया है, पर मेंटली सोचिए, आपने 200 रुपीस जो आप स्पेंड करने वाले थे वो आपने अभी नहीं स्पेंड किया है, राइट? आपने सिर्फ 200 रुपया दिया है. आपने सोचा था मैं 400 रुपया दूंगा, तो मेरे 400 रुपये आपके जाने वाले थे, बट बिकॉज द कमोडिटीज ऑफ ओनली 200 रुपीस, यू जस्ट गिवन 200 रुपीस, और जो 200 देने वाले थे वो आपके पास रह गए. मतलब दिस 200 इज नथिंग बट योर प्रॉफिट. दिस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स सरप्लस, राइट? सी द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? अ प्राइस द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस द प्राइस व्हिच ही एक्चुअली पेस. आपको विलिंगनेस क्या था पे करने का फॉर दिस पर्टिकुलर कमोडिटी 400 रुपीज? बहुत खूबसूरत इयररिंग्स जो आपने देखे थे, 400 रुपया आपने सोचा था कि हाँ 400 रुपये तक होगा तो मैं खरीद लूँगी, राइट? पर वो कमोडिटी एक्चुअली कितने की मिली आपको? 200 रुपए की. सो ये जो ऊपर के 200 रुपया है वो आपके पास रह गए, राइट? दिस इज नथिंग बट योर ओन प्रॉफिट. इन इकोनॉमिक टर्म्स वी विल कॉल दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट एज कंज्यूमर सरप्लस, राइट? नाउ देयर इज वन मोर फॉर्मूला व्हिच कैन बी गिवन फॉर कंज्यूमर सरप्लस.
the consumer surplus is equal to total utility that a consumer derives from consuming the product minus total expenditure on the product. Right? That is formula dekhiye, consumer surplus equals to total utility from the product minus total expenditure on the product. Now, total utility. We all have studied the concept of utility. In Hindi mein hum usko upyogita kehte. Utility ka Hindi mein hum kehte upyogita. We have studied what is marginal utility, what is total utility, what is average utility. Correct? Now, see what is happening. They are saying ki total utility of that commodity minus the money you spend that commodity will give you consumer surplus. So, ek ye jo earring tha, right? ये इयरिंग का मैंने सोचा मुझे अगर इफ आई बाय दिस पर्टिकुलर इयरिंग और पेन और शर्ट वट एवर कमोडिटी यू आर थिंकिंग आई एम विलिंग टू पे 400 रुपीज फॉर दिस पर्टिकुलर कमोडिटी राइट मीनिंग मुझे इफ आई बाय दिस कमोडिटी आई एम गोइंग टू रिसीव मार्जिनल यूटिलिटी वर्थ 400 यूनिट्स राइट इन मीनिंग वट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस किसी भी कमोडिटी का अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है जस्ट कहिए इट इज इक्वल टू इट्स प्राइस आपने एक पेन खरीदा फॉर 10 रुपीज मीनिंग इस पेन का प्राइस इज 10 रुपीज तो मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो 10 फाइन सो अभी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं हम क्या अज्यूम कर रहे हैं that marginal utility equals to the price of that particular commodity. Fine. Now, let's get into more details. ये कह रहे कि total utility जो आपको इस commodity से derive होगी मैंने एक pen खरीदा which is for rupees 10, right? मैंने एक ही pen खरीदा है मैंने दो तीन चार pen नहीं खरीदे When you buy only one commodity, your marginal utility equals to the total utility. Because commodity एक ही है याद कीजिए टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है इट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड कमोडिटी प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड कमोडिटी एंड सो ऑन योर वी हैव ओनली बॉट वन कमोडिटी दैट इज वन पेन वर्थ रुपीज 10 राइट सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी इज 10 प्लस हैव आई बॉट द सेकेंड कमोडिटी नो दैट इज 0 प्लस 0 एंड सो ऑन So simple, when you buy only one commodity, marginal utility equals to total utility. So when I have bought one pen, right? जब मैंने एक pen खरीदा है, उसका marginal utility equals to its total utility. Fine. Now read the form definition again. The consumer surplus is equal to total utility, that is 10, that a consumer derives from consuming the product minus total expenditure on the product. Right? So, हमने इस पेन के लिए स्पेंड कितना किया था 10 रुपये स्पेंड किए थे हमने करेक्ट है सो यहाँ पे हमको मार्जिनल यूटिलिटी इज 10 प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ऑल्सो 10 जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी यू डिराइव फ्रॉम दिस पेन इज 10 माइनस Total expenditure on this product is again 10. Correct? So 10 minus 10. Here you have received zero consumer surplus. आपको किसी भी तरह का mental satisfaction or mental profit नहीं हुआ है. Right? Consumer surplus के हिसाब से. So let's consider one more example. Let's say आप वही shopkeeper के पास pen खरीदने गए थे. आपको pen अच्छा लगा. आपको लगा 10 रुपये का तो होगा. Right? You're willing to spend rupees 10 on this particular pen. That is, this pen ka marginal utility and total utility is 10. Or shopkeeper ne bola ki hum iske upar discount de rahe hain. Aapko ye pen 8 rupaye mein milega. Simple cheez hai. Aapke 2 rupaye save ho rahe hain yahan pe. Right? So this 2 rupees is nothing but consumer's surplus. Okay? Are you understanding so far what I'm saying? By meaning, basic meaning of consumer surplus, हमको इसका assumptions, limitations, diagrams वो सब करने हैं. But basic meaning of consumer surplus is nothing but the profit. Yes, profit you derive in the market while purchasing any commodity.
So we have a question. Let's see. Choose the correct option answer. Question is, consumer surplus is equal to, option A is total utility minus price, option B total utility minus total expenditure, option C total utility minus marginal utility, and option D none of the above. You just studied. See, the correct option answer here will be option D, that is total utility you derive from the consumption of that particular commodity minus total expenditure, total money which you have spent to buy this commodity, right? Option B will be the correct option answer. Yes, good. Let's go to the next. Let's study the assumption. Now see, economics mein koi bhi law agar aapko kehna hai, economics is not pure science. It is a social science, right? Pure science matlab kya? Jaise mathematics is a pure science. Aap duniya mein kahin bhi jao, अर्थ में कहीं जाओ, यूएस किसी भी दूसरे कंट्री में जाओ, या मार्स में कल चले जाओ, या मून पे चले जाओ, बेसिक फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर इज गोना बी सेम. दुनिया में आप किसी को भी पूछो कि भाई मुझे बताओ ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आंसर क्या है, आपको वो वही फॉर्मूला बताने वाला है. दैट इज प्योर साइंस. मतलब यू कैन नॉट चैलेंज दिस, चैलेंज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस. दैट इज प्योर साइंस. That is, economics is not a pure science. Yes, because simple reason is because it deals with human behavior. Everyone behaves differently. I may like this commodity, I may not like this commodity. मुझे आप जिस commodity को खरीदोगी भी नहीं, I may spend 100 or 1000 rupees to buy that commodity. Everyone behaves differently, right? And because economics deals with human behavior, simple चीज है, economics के जो formulas है, economics के जो laws है, all these laws are not pures, are not permanent in nature, right? They are easily challenged. कि कोई भी कहेगा नहीं ये तो थोड़ा गड़बड़ है, अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए तो लॉ गलत हो जाए, right? तो सिंपल चीज़ है टू एलिमिनेट ऑल दिस एनी वन चैलेंजिंग द लॉ, वी हैव सर्टन assumptions. Assumptions क्यों होते हैं? दैट वी क्रिएट अ सिचुएशन वेयर दिस पर्टिकुलर लॉ विल बी ट्रू. अगर आप ये सिचुएशन को थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो लॉ गलत हो सकता है, राइट? तो इकोनॉमिक्स के सारे लॉ इसी तरह हो. सिट्रस पैराबिस ये हम हमेशा कहते हैं, मीनिंग अदर थिंग्स बीइंग सेम, अदर थिंग्स नॉट चेंजिंग एट ऑल. सो अजम्पशंस आर एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी इकोनॉमिक लॉ. यू विल नेवर फाइंड अजम्पशंस इन मैथमेटिकल लॉज. मैथमेटिकल लॉज में आप कुछ अज्यूम नहीं करते बिकॉज इट इज़ अ प्योर साइंस, राइट? बट इकोनॉमिक्स लॉ के लिए, जो भी सोशल साइंस के लॉज होते हैं, उनके लिए आपको कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ता है. आपको एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है एंड यू हैव टू से अंडर दिस सिचुएशन, अंडर दिस सर्कमस्टांसिस ओनली द लॉ विल बी ट्रू. अगर ये सिचुएशन सर्कमस्टांसिस चेंज होती है देन लॉ विल ऑल्सो बी चेंज, लॉ इनवैलिड हो जाएगा. To prove the validity of any law, every economist give you certain assumptions, right? So let's see what are the assumptions of law consumer surplus, right? हम जो law पढ़ रहे हैं अभी consumer surplus, उसकी assumptions क्या थी? Very first assumption they are saying is utility is measured in cardinal numbers, right? Meaning what? Utility दो तरह से measure कर सकते हैं आप, एक cardinally और दूसरा है ordinally. Cardinally मतलब giving it proper number 10, 15, 16, 17, 18, that is cardinally. The other type of utility measure is ordinally, that is ordering. You ate one roti, आपको इससे सबसे ज़्यादा utility मिला. आपने second roti खाई, उसको second roti की utility was little lesser than the first roti's utility. You're ordering first, second, third, fourth, right? Cardinal means you're giving number 1, 2, 3, 4, 5, 6. And ordinal means you're ordering first, second, third, fourth, right? So here we are assuming that utility is measured cardinally in this law. Second, utility is measured in terms of money whose utility remains constant. So अभी देखिए, हमने यहाँ पे utility को unit दिया है. What do we mean by unit? हम distance kilometers में calculate करते हैं, right? यहाँ से bus station तक का distance इससे 10 किलोमीटर्स.
सो डिस्टेंस का यूनिट इज किलोमीटर्स, राइट। कोई आप एक शुगर का एक केन उठाओ, राइट, ये शुगर का जो है हमने इसको एक यूनिट दिया है, इट इज केजीज, राइट। सो वेट का, मास का यूनिट क्या है? केजी। सेम वे यहाँ पे उन्होंने यूटिलिटी को एक यूनिट दिया है, दैट यूनिट इज प्राइस, राइट, दैट यूनिट इज प्राइस। सो नेक्स्ट वन देखिए, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कमोडिटी डज नॉट डिपेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी, मीनिंग यूटिलिटी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन कंजम्पशन ऑफ एनी अदर कमोडिटी। आई एम कंज्यूमिंग, वी वर कंज्यूमिंग चॉकलेट आइसक्रीम्स राइट नाउ, राइट। तो वो शादी में जलेबीज वर सर्व, लड्डूज वर सर्व, आपने जो भी खाया दैट इज नॉट अफेक्टिंग द कंजम्पशन ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम, इट इज इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट वन, कंज्यूमर्स टेस्ट, इनकम एक्सेट्रा रिमेन्स कॉन्स्टेंट, आपकी टेस्ट, इनकम सब कॉन्स्टेंट रहेगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो विल स्टे कॉन्स्टेंट, राइट। नेक्स्ट वन, दीज आर द अजम्पशंस। Now we have to look at this table or schedule, right? See, here we are consuming oranges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 oranges we have consumed, right? We all know कि हमने utility को unit दिया है rupees का, इसलिए देखिए हमने total utility in terms of rupees लिखा है as well as marginal utility in terms of rupees ही लिखा है, right? So when you consume one unit of orange, you receive 15 marginal utility, 15 rupees ka marginal utility, and you are spending rupees 3 for this orange. Aapne kitne paise diye hai? 3 rupaye diye, aur uske return mein aapko 15 rupaye ka marginal utility mil raha hai, right? Just deduct kijiye, 15 minus 3, aapko milega consumer surplus, that is 12 rupees. When you consume first orange, aapko 12 rupees ka consumer surplus mil raha hai. Same way, when you go on consuming oranges, obviously your marginal utility is reducing. Dekhiye, look at marginal utility. Pehle 15, 14, 12, 8, 3, 1 reduce ho rahi hai. Commodity ka price is constant. So, look at unit number 5. When you consume 5th orange, aapko is 5th orange se marginal utility mil rahi hai 3 rupees ki. And you are also spending rupees 3 to buy this orange. So 3 minus 3, that is 0. So यहाँ पे आपको किसी भी तरह का consumer surplus नहीं मिला है. After this point, practically you should stop consuming at unit 5. Because उसके बाद कोई consumer surplus नहीं मिला. But if you go on still consuming one more orange, that is unit number 6 orange, आपको यहाँ marginal utility मिली है only 1 rupees की. Or for this 1 rupee, you are actually spending rupees 3. Can you see? Aapka loss hua hai yahan pe minus 2. Right? You have spent more than what you actually received in terms of money. Aapko 1 rupee ka commodity mila aur uske liye aapne 3 rupee spend ki. Right? So this is nothing but consumer surplus. Let's see how we will draw consumer surplus in a graphical form. So on x-axis, we have quantity demanded of X commodity. Commodity X, consider this as orange, chocolate, ice cream, whatever. So come on X axis we have quantity demanded. On Y axis we have price. Remember, on Y axis, independent variable will be plotted on Y axis and dependent variable will be plotted on X axis. We all know marginal utility is downward sloping. We all know demand curve is also downward sloping. So RD is nothing but your demand curve, or also can be your marginal utility curve. See, in the schedule also we had said that price was rupees 3. So OP is nothing but price rupees 3. Yes, price kitna hai? 3 rupees hai. So PE, ye line aage bhi extend ho sakti hai. We call this line as price line. Okay. So the price is rupees 3 and this is your marginal utility curve. 3 rupees se zyada aapko jo bhi utility mil rahi hai, that will be called as consumer's surplus. And 3 rupiya is your basic. 3 rupees se kam, you shouldn't be buying this particular commodity. So this area, that is RPE, is graphically kya hai? Consumer's
surplus, right? Okay. Next one, dekhiye. So we have a question here. Graphically, consumer surplus is the area. Question is graphically, matlab graph mein consumer surplus is the area A on left side of the price line, B above the demand curve, C between demand and supply curve, D between price line and demand curve. Yes, the correct option answer will be let's see diagram dekhiye and tell me the correct option answer. Consumer surplus is the area between, this is your price line and this is the demand curve, right? Demand curve ke upar aur price line ke upar aur demand curve ke beech mein ye jo area hai, this is known as consumer surplus. Again, price line ke upar aur demand curve ke niche jo area hota hai, that area is called as consumer surplus. Hence, the correct option answer here will be between price line and demand curve, option D. Here in the diagram, RPE is the consumer surplus, right? Your correct option answer is option D. Now let's consider the limitations of this particular consumer surplus. Sabse pehle, basic assumption, unrealistic assumption. Yes. कौन सी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है? फर्स्ट वन, कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी को आप कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते. यूटिलिटी इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर. अगर फिर भी अगर आपको उसको मेजर करना है, आप उसको ऑर्डिनली, दैट इज़ यू कैन ऑर्डर इट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बट यूटिलिटी को प्रॉपर नंबर्स देना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. हैंस इट इज़ अनरियलिस्टिक, राइट? Then second, being independent of other commodities, your consumption cannot be independent. It depends on your surrounding or other commodities that you are consuming, right? So basically, this law, this theory has unrealistic assumptions. Second, equity of marginal utility and price. Simple चीज़ है, हमने पहले ही कहा था, हम कह रहे P, that is price equals to MU. मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज रॉन्ग. यस, लिमिटेशंस या क्रिटिसिजम्स क्या है, क्रिटिसिजम्स क्या है इस थ्योरी के? एक तो अनरियलिस्टिक अजम्पशन है. दूसरा कह रहे हैं कि हाउ कैन यू इक्वेट प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफरेंट एंड प्राइस इज डिफरेंट. यू कैनॉट से प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी. दिस इज अनरियलिस्टिक, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट? देखिए नेक्स्ट वन. नेक्स्ट लिमिटेशन, मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल. सिंपल चीज़ है, व्हेनेवर आप मार्केट में कोई भी कमोडिटी खरीदते हो, आप कंटिन्यूसली मेजर करते हो क्या? नहीं, इसकी यूटिलिटी इतना है, इसकी प्राइस इतना है. नो, दिस इज नॉट गिविंग मी कंज्यूमर सरप्लस, आई विल नॉट बाय दिस. इसकी यूटिलिटी इतना है, इसका प्राइस इतना है. हाँ, दिस इज गिविंग मी कंज्यूमर सरप्लस, आई विल बाय दिस. Continuously, when you are buying commodities, when you are consuming commodities, we do not measure what is the marginal utility, what is the price. Yes, so this measurement is not possible. Utility ko measure karna and consumer surplus ko measure karna is not possible. That is the criticism or the limitation of this particular theory. Next one. मीनिंगलेस इन केस ऑफ नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. सिंपल चीज़ है, अगर आपको लाइफ सेविंग मेडिसिन खरीदना है, इन सच सिचुएशन दिस इज मीनिंगलेस, मतलब ये इनवैलिड हो जाता है, राइट? अगर वो मेडिसिन कितना भी महंगा हो, वी आर गोना बाय दैट मेडिसिन. वाई? बिकॉज इट इज़ लाइफ सेविंग. सो जो लाइफ सेविंग नेसेसिटीज होता है, उन कमोडिटीज़ में दिस लॉ इज इनवैलिड, देन वी विल नॉट कंसिडर हाउ मच इज योर कंज्यूमर सरप्लस. नेक्स्ट वन, नॉट रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट. सिंपल चीज़ है, लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म क्या कहता है इस थ्योरी का? कि ये रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है. कंज्यूमर सरप्लस इज नॉट अ रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, राइट? आप मार्जिनल यूटिलिटी कह सकते हैं, लॉ ऑफ डिमांड यू कैन कंसिडर, बट कंज्यूमर सरप्लस एज अ थ्योरी इज नॉट रियलिस्टिक और इसका यूजेस बहुत लिमिटेड है. दीज आर द क्रिटिसिज्म जो बाकी सारे इकोनॉमिस्ट या बाकी सारे रीडर्स, स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर थ्योरी पे किए हैं. चलिए, यू हैव अ क्वेश्चन नाउ.
When price is less than marginal utility, consumer surplus is. प्राइस कम है मार्जिनल यूटिलिटी से, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इज से 4, राइट? मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 4 है. और प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज 3. प्राइस कम है, सो दे आर आस्किंग इन सच सिचुएशन हाउ मच, व्हाट विल बी द कंज्यूमर सरप्लस. वन इज पॉजिटिव, सी इज 0, सी इज नेगेटिव एंड डी इज 1. यस, सो सिंपल चीज है. Obviously, price is how much? 3 and marginal utility is 4, right? So, जब आप इसको माइनस करोगे, आंसर इज 1. 1 इज what? पॉजिटिव में आ रहा है, राइट? सो द आंसर योर विल बी पॉजिटिव. यस, आंसर योर विल बी पॉजिटिव. वेरी गुड. नेक्स्ट वन, लेट्स लुक एट दी एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी. मतलब ये थ्योरी लाइफ में या फिर इन जनरल इकोनॉमी में कहाँ पर एप्लीकेबल होगी, इसका यूज क्या होगा इस थ्योरी का. ओके, वेरी फर्स्ट थिंग दे आर सेइंग, रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. व्हाट इज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू? सिंपल चीज है, जिस कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है उसके लिए प्राइस भी ज्यादा होना चाहिए, और जिस कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी कम है उसके लिए प्राइस भी कम होना चाहिए, ऐसे हम कहते हैं. बट we see paradox of value in terms of air and diamond. This can be called as air and diamond paradox also. Air, oxygen ka utility is very high. Do we pay anything for oxygen? No, price is 0. Whereas diamond ka utility, marginal utility is very low. Agar aapke paas diamond nahi bhi hai, kya farak padne wala, it is absolutely okay. Considering with air, agar air nahi hai, to you will die 5-10 minutes. तो एयर का, डायमंड का मार्जिनल यूटिलिटी इज वेरी लो, स्टिल प्राइस इज वेरी हाई. दिस इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, राइट? एयर इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल. लाइफ आपको, इट्स योर लाइफ सपोर्ट, स्टिल यू पे नथिंग फॉर एयर. एंड डायमंड इज नॉट एट ऑल वैल्यूएबल, स्टिल यू पे ह्यूज अमाउंट फॉर डायमंड, राइट? दिस इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. सो सिंपल चीज है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के लिए ये एप्लीकेबल है. बिकॉज पानी कंसिडर अगर आप करेंगे, राइट, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारी ऑल थिंग्स विल टेल यू पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. दिस इज एप्लीकेबल इन रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. हाउ विल इट रिजॉल्व पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू? सिंपल देखिए, व्हेन आई वांट टू बाय वाटर, पानी बिकॉज इट सप्लाई में बहुत ज़्यादा है, प्राइस ऑफ वाटर इज वेरी लो. डायमंड सप्लाई में बहुत कम है, इससे प्राइस ऑफ डायमंड इज वेरी हाई, राइट? सो व्हेन आई गो ऑन कंज्यूमिंग मोर यूनिट्स ऑफ वाटर, मुझे पानी से बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है कंटिन्यूसली. बट बिकॉज प्राइस कम है, आई गो ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ वाटर. वेर एज डायमंड, डायमंड का देखिए प्राइस इज वेरी हाई, आई कैन नॉट बाय मोर देन 1 or 2 डायमंड, राइट? सो यू आर माई कंज्यूमर सरप्लस एक या दो कमोडिटी में ही अचीव हो रहा है या ख़त्म हो रहा है. इन केस ऑफ वाटर माई कंज्यूमर सरप्लस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. काफ़ी 4, 5, 6, 7, 8 या शायद 100 कमोडिटीज के बाद कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाएगा. सो सिंपल चीज़ है, कंज्यूमर सरप्लस कैन बी यूज टू रिजॉल्व द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. नेक्स्ट वन, मेजर्स इकोनॉमिक वेलफेयर. सिंपल चीज़ है, अगर मार्केट में फूड ग्रेन का प्राइस इज लेस, देन पीपल विल बी हैप्पी. वाई? बिकॉज उनको लगेगा कि फूड ग्रेन इसेंशियल है ज़िंदगी का, इसके लिए हम 100, 200, 400, 500, 1000 रुपया पे कर सकते हैं, और ये फूड ग्रेन हमको बहुत मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल है. यस, मीनिंग वॉट? पीपल आर मोर हैप्पी. अगर लोगों को ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है, दिस शोज दैट दे आर हैप्पी, कि उनका अच्छा वेलफेयर हो रहा है. सो कंज्यूमर सरप्लस, हायर द कंज्यूमर सरप्लस मोर विल बी द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, लोअर द कंज्यूमर सरप्लस लेसर विल बी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सो दिस मेजर्स इकोनॉमिक वेलफेयर. बिकॉज दिस मेजर्स इकोनॉमिक वेलफेयर, गवर्नमेंट यूजेस कंज्यूमर सरप्लस टू डिटरमाइन टैक्स रेट, राइट? जिस कमोडिटी में लोगों को कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा मिलेगा, ऐसे कमोडिटी के लिए गवर्नमेंट विल कीप लेसर टैक्स रेट. जैसे कि फूड ग्रेन, फूड ग्रेन के लिए गवर्नमेंट विल कीप लेसर टैक्स रेट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश होंगे, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा, वेलफेयर बढ़ेगा. द कमोडिटीज जिससे लोगों को ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिलेगा, जैसे हमने कल भी कहा था सिगरेट्स, राइट? फॉर सिगरेट्स गवर्नमेंट विल कीप
higher tax rate, right? जिसके वजह से welfare will not be affected. So government uses consumer surplus to determine tax policy. Price discrimination. Next application कहाँ है देखिए, price discrimination में. Meaning what was happening here? Monopolist क्या करेगा? वो पूरे market में अपने commodity का study करेगा कि this particular section market A में consumer surplus is very high, people want this commodity, whereas market B में people are not very interested buying this commodity. So market A में he will keep price of this particular commodity low, जिसके वजह से people will be attracted to this commodity and they will buy more and more of this particular commodity, जिससे monopolist या जो firm है, businessman है, उसको फ़ायदा होगा, उसका sale ज़्यादा होगा, right? और जहाँ पे people are anyways not interested buying this commodity, people are not considering about their consumer surplus, here he will not keep lower prices, he will keep a normal or higher prices. Yes, because he knows कि इस market में my commodity is not anyways gonna be get sold. So he will concentrate more on market A where this commodity is in high demand. So he will keep lesser price to attract people, to give them कि हाँ तुम ये commodity खरीदोगे आपको consumer surplus मिलने वाला, right? So कोई भी firm है, businessman है, price discriminate करेगा, एक market में price ज़्यादा रखेगा तो दूसरे market में price कम रखेगा to make profit and to give consumer surplus to the consumer. Next one देखिए, it indicates the privileges enjoyed by citizen of modern society. Simple चीज है, nowadays we are, everyone considers कि how people will be more happy, how लोगों का अपने country में लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा welfare कैसे, right? तो उसके लिए consumer surplus is one of the small indicators, right? ज़्यादा education है तो people are in welfare, अच्छा sanitation है तो people are in welfare. Same way, अगर people are enjoying more consumer surplus, then there is higher amount of welfare in the society. Life essentials अगर आपको reasonable price में मिल रहे, that means you are enjoying higher consumer surplus. And when people are enjoying higher consumer surplus, your economy is in welfare, right? So these are the applications of consumer surplus. Let's consider the question. Consumer surplus helps to achieve following type of welfare. A. Economic. B. Social. C. National. And D. Psychological. So obviously, consumer surplus helps us to achieve economic surplus. That is option A. Helps us to achieve economic surplus. That is option A. Right? Next. Study the meaning of consumer surplus. Exam point of view, you need to study meaning of consumer surplus. You need to study formulas, diagram, and the schedule which we have given, right? Along with that, limitations of consumer surplus or criticisms of consumer surplus and application. कि आप ये consumer surplus को कहाँ कहाँ in normal life apply कर सकते हो, right? So you have to study all these points in this particular chapter. Do we have any questions? There's a small announcement. We will have our next lecture on 5th of December. 5th of December, we will have next lecture where we will be studying demand forecasting. Right? 5th of December, I'm sorry. 5th of December, we will be studying demand forecasting at 11:30 a.m. Yes. And please do send your feedbacks regarding this lecture. Thank you very much. Keep studying.